जिंदगी भर की कमाई लोकतंत्र में उनकी आस्था को लुटा दिए। वह व्यक्ति का नाम है ललन बाबू और सच्चाई यही है कि मुख्यमंत्री भी इनको पसंद नहीं कर रहे। ललन बाबू हताशा और निराशा में इनको पूछ नहीं रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दो करीबी और खास नेता यानी कि अशोक चौधरी और ललन सिंह के बीच का जो विवाद है बिहार की सियासत में सरगर्मी बढ़ा रहा है। आज विजय कुमार सिन्हा ने कहीं ना कहीं ललन सिंह को घेर लिया है और क्या कुछ कह रहे हैं, पहले ललन सिंह के बारे में पहले आप इस वीडियो पे नजर डालिए। ललन बाबू हताशा और निराशा में इनको पूछ नहीं रहा है। जदयू में क्षेत्रीय दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं और सच्चाई यही है कि मुख्यमंत्री भी इनको पसंद नहीं कर रहे। आज ललन बाबू के कारण बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री का जो तौहनी हुआ और उनकी जिंदगी भर की कमाई लोकतंत्र में उनकी आस्था को लुटा दिए। वह व्यक्ति का नाम है ललन बाबू और ललन बाबू को आज उन्हीं के कैबिनेट के मिनिस्टर मुख्यमंत्री के चहेते अशोक चौधरी जी जिस तरह से बेइज्जत और अपमानित किए हैं वो बिलबिलाए हुए हैं। उनको पूछ नहीं रहा है लेकिन वो उपदेश देते जा रहे हैं कि भाजपा के तरफ थूकना नहीं है। अरे भाजपा के लीडर सूरज के समान चमक रहा है और सूरज को जो थूकता है वह थूक उसी के चेहरे पर गिरता है। ऐसे लोग ये हिमाकत न करें, इस तरह की भाषा बोलने का, मर्यादित भाषा का उपयोग करें, आपकी गरिमा बढ़ेगी। आपके कारण आज आपका समाज भी लज्जित है और बिहार भी लज्जित है। तो सुना आपने किस तरीके से विजय कुमार सिन्हा ने ललन सिंह को घेर लिया है और उन्होंने ये कहा है कि उनकी वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छवि खराब हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जितने अच्छे नेता थे कहीं ना कहीं ललन सिंह की वजह से उनकी छवि आज खराब हो गई है, धूमिल हो रही है। साथ में ये भी कह दिया कि अशोक चौधरी कहीं ना कहीं ललन सिंह को बेइज्जत करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा इस बयान के बाद बिहार की राजनीति किस तरीके से बदलती है। बहरहाल मेरा नाम स्नेहा गुप्ता है और आप IVTV देख रहे हैं। धन्यवाद। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।